हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिलेक्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे अपने कम्युनिटी में जो पोस्ट करते होंगे तो आपको इस प्रकार से कैसे कम्युनिटी में पोस्ट करें, यानी बिना ही आपको क्या करना होगा कि जैसे हमें एक और वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जैसे कि इस प्रकार से आप पोस्ट कीजिएगा, माने कि फर्स्ट में थंबनेल आपको क्या करना होगा, बनाना होगा, उसके बाद एडिट करके स्क्वायर शेप में लेकर के पेज को, उसके बाद आपको इस तरह से आप बनाते होंगे जैसे कि मैं पहले वाले वीडियो में बताया था। लेकिन मैं सोचा कि उसमें काफ़ी मेहनत हो जाता होगा, जैसे आप अगर ये बनाते हैं तो फर्स्ट में ये वाला बनाओ, ये तो बनाते ही हैं अपने थंबनेल के लिए, यानी यूट्यूब वहाँ पे थंबनेल के लिए। और उसके बाद आप क्या करते होंगे, फिर से अगेन लेते हैं पेज और उसके बाद स्क्वायर शेप में लेकर के मैं इस वाले वीडियो में उसको भी आप देखना चाहते हैं, अगर उससे भी आपको अच्छा लगे तो उसे भी आप बना करके लगा सकते हैं। जैसे मैं आई बटन में ऊपर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। बट मैं एक और उससे भी अच्छा ट्रिक लाया हूँ कि आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप फर्स्ट में ऐसे ही वीडियो ये वाला थंबनेल बनाते हैं, यूट्यूब के लिए ही, वीडियोज के लिए केवल थंबनेल बनाते हैं, तो वही वाला कैसे डायरेक्ट पोस्ट करें, जैसे इस प्रकार से आप कैसे पोस्ट करिए वाला जो है, इसी प्रकार से कैसे आपको पोस्ट करें। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करता है कोई भी बंदा, यहाँ पे कोई भी क्लिक करता है, आप यहाँ पे कोई भी क्लिक करेगा तो आपके YouTube में डायरेक्ट चला जाएगा, यानी YouTube आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप लिंक नहीं भी दीजिएगा यहाँ पे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पहले क्या होता था कि आप इस वाले वीडियो में आपको यहाँ पे लिंक देना पड़ता था, अगर इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो आपका यूट्यूब जो है यहाँ पे वीडियोज आपको नहीं ओपन होगा, बट यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ही। बट अब क्या आ रहा है कि अगर आप ये वाला पोस्ट करते हैं, यहाँ पे ये वाला पोस्ट कीजिएगा, अगर यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो आपका YouTube वीडियो जो वीडियो है आपका प्ले होने लगेगा। इस वाले पे कीजिएगा तो ये तो होता ही था, बट यहाँ पे नहीं भी दीजिएगा आप, बट यहाँ पे ये वाला ऐसे ही हो जाएगा तो आपका यहाँ से ये आपका प्ले होने लगेगा, आपका वीडियो प्ले होने लगेगा, कोई बंदा आपका चाहे तो यहाँ से प्ले कर सकता है। तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे इस तरह का कैसे इस पर ला, यानी कि स्क्वायर टाइप में नहीं, उसमें आपको क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि चलिए मैं एक पोस्ट ले लेता हूं, जैसे कि एक वीडियो का लिंक ले रहा हूं यहां पे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यही वाला वीडियोज है, तो मैं इसका ये कर ले रहा हूँ, उसके बाद इसको शेयर कर ले रहा हूँ और इसको अभी तो पब्लिक, सॉरी ब्रदर, ये वाला अभी पब्लिक मैं नहीं किया हूँ, यह वीडियो बना दिया हूँ बट इसमें शेड्यूल, यानी शाम को ये वीडियो आएगी। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला वीडियोज को मैं ले ले रहा हूँ, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, इस लिंक को कॉपी कर ले रहा हूँ। उसके बाद क्या करना होगा आपको, अगर इस वीडियो को जैसे कि आप मान लीजिए मैं अभी नया पोस्ट किया हूँ, जैसे कि मान लीजिए इस वाले को आप पोस्ट किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये वाले कि आइडिया में एमबी कितनी बाकी है, इसको कैसे चेक करें, तो इसी को मेरे को पोस्ट करना है। तो इसको क्या करना हो, इस लिंक को मेरे को कॉपी कर लेना होगा, अगर आप लिंक को आप वहाँ पे डालना चाहते हैं तो कॉपी कीजिए, वरना नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं। जैसे मैं अभी कॉपी कर लिया, उसके बाद क्या करना होगा कि इस वाले पर क्लिक करना होगा, ये वाले पर यहाँ पे थ्री डॉट यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाता है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, यानी शेयर का, तो शेयर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप शेयर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है ऊपर में, शेयर इन अ पोस्ट क्रिएट पोस्ट नो सब्सक्राइब, यानी यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पर आपको क्या करना होगा, ये वाला क्रिएट पोस्ट जो है यहाँ पे क्रिएट पोस्ट, इस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला आपका जो फोटो आ गया, यानी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यानी मैं आपको पिक्सेल में न ले जाकर के आप डायरेक्ट यहाँ से आपको पोस्ट करने के लिए बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको मेहनत दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करना होगा इस प्रकार से, और यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो जैसे मैं लिख दे रहा हूँ क्लिक दिस लिंक, यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं अगर ये तो लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा दे दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। अगर आप जो लिंक मैं कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिए, अगर आपको कॉपी भी किए अगर पेस्ट भी नहीं करना है, यानी ये सारा चीज़ आपको लिखना नहीं है, ये वाला लिखना नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं भी लिखिए और डायरेक्ट आप पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा आपको, आप ये कर लिए, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको पोस्ट कर देना होगा, ये वाला पर क्लिक कर देना होगा, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं। तो इस पर चलिए क्लिक कर लेते हैं व्यू पर, जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इस प्रकार से, यानी बिना मेहनत किए हुए, दोबारा मेहनत किए हुए इसी प्रकार से आ गया, यानी आपको आप चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, बट आपको अगर आसान है, आपके पास टाइम की बचत करना है तो आप इस प्रकार से आप पोस्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा तो आपका वीडियो जो है प्ले होने लगेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे करने की वजह। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने सारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स को, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको ये ट्रिक पता चले और कि ऐसे आसानी से कम समय में आप पोस्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसा ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ।